मैं वो था जिसकी तबाही की गवाही अखबार का पन्ना पन्ना दिया करता था। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए भोला मूवी आज के दिन रिलीज हो गई है और मूवी यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त है। अगर जिसने कैथी मूवी देखी है तो भोला मूवी अगर वो 3D और 4D में देखेगा जा करके तो उसको मूवी बहुत ही जबरदस्त लगेगी और बिल्कुल नई लगेगी। इसमें नई चीज़ ये लगेगी कि अजय देवगन की एक्टिंग और अजय देवगन का एक्शन जो कि बिल्कुल ही अलग है, और इसमें जो BGM डाला गया है एक्शन के दौरान, यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त एक्शन डाला गया है। दोस्तों देखा जाए, जब अजय देवगन एक्शन करते हैं उसकी टोन अलग होती है, विलेन की एंट्री की टोन अलग होती है, और इस मूवी में जितनी भी BGM है बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों अगर हम इस मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो इस मूवी की कहानी है एक कैदी की, यानी कि हमारे भोला अजय देवगन की, जो जेल में 10 साल से बंद है और 10 साल बाद रिहा होते हैं वो भी अपनी बच्ची से मिलने के लिए। लेकिन इसी बीच उनको एक काम सौंप दिया जाता है और वो काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो काम निपटाने के बाद ही अजय देवगन को अपनी बेटी से मिलने का मौका मिलेगा। और देखा जाए इसी के दौरान जो फिल्म में जो एक्शन होते हैं, जो कहानी होती है, वो यकीन मानिए आपको लास्ट तक बांधे रखेगी। जी हाँ, आप बार बार यही सोचेंगे कि अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा आगे, और कहानी जगह जगह से मोड़ लेती है और कहानी आपको बिल्कुल अचंभित करके रख देगी। दोस्तों जी हाँ, अगर दोस्तों हम इसके एक्शन सीन के बारे में बात करें तो इसका एक्शन सीन, जो बाइक का जो एक्शन सीन आपने देखा था, वो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप इसको सिनेमा घर में इसका पूरा एक्शन सीन देखेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी दोस्तों। और इस जो मूवी की कहानी, आप यकीन मानिए जब से आप शुरू से मूवी देखना चालू करेंगे, शुरू से लेके एंड तक इसकी कहानी आपको बांधे रखती है दोस्तों, यानी कि मूवी बहुत ही जबरदस्त है। हाँ इसमें थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि अजय देवगन से हल्की फुल्की गलती हो गई है, जैसे कि एक डायलॉग था निकल करके सामने आया था जिसमें अजय देवगन कहते हैं मैं अपनी बेटी से 10 साल बाद मिलने जा रहा हूँ। और देखा जाए ये पूरे कैथी का डिक्टो कॉपी है, क्योंकि कैथी में भी देखा जाए सेम यही डायलॉग था। इसमें शायद अजय देवगन कुछ चेंज कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अजय देवगन ने जिस हिसाब से मूवी बनाई, जिस हिसाब से इस मूवी का एक्शन है, मुझे नहीं पता कि इसकी एडवांस बुकिंग क्या कहेगी, आगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ मूवी बहुत ही बेहतरीन है। आप इस मूवी को देख सकते हैं, आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने मूवी नहीं देखी हो तो देख लीजिए, और जिन्होंने देखी हो वो कमेंट करके बताएं मुझे कि उनको ये मूवी कैसी लगी। और साथ ही में दोस्तों मैं भी बता दूं, मैं इस मूवी को 5 में से दूंगा 4 स्टार। आप कितना 5 में से स्टार देंगे कमेंट में हमें बताएं, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।